यूपी के कुशीनगर में एसपी विनोद कुमार मिश्रा के निर्देश पर अपराध तथा अपराधियों के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि देवराजपुर निवासी व्यवसायी वे अजय मध्यशिया की अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे प्रभारी निरीक्षक हाटा कमलेश सिंह की टीम के साथ सर्विलेंस टीम के द्वारा बड़ी सफलता हाथ लगी। अभी पिछले महीने थाना हाटा के गाँव शाम लगभग 9:30 बजे गोली मारकर हत्या हो हत्या की गई। इस घटना का अनावरण पहले हो चुका था, लेकिन इसमें जो शूटर शामिल थे उन शूटरों की तलाश के दौरान 3 शूटर गिरफ्त में आए हैं, जिनके पास से 2 32 बोर की और 1 9mm पिस्टल बरामद हुई है। पूछताछ पर यह भी पता चला है कि ये शूटर इसके पहले भी घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं। उन घटनाओं थाना रामकोला क्षेत्र में मुकदमा दर्ज है, उन घटनाओं में भी इनका सम्मिलित होना पाया गया है। इसके अतिरिक्त ये शूटर जनपद में अभी 2 घटनाएं भी करने के प्रयास में ये भाई थोड़ा चुप रहेंगे आप। जो मुख्य शूटर है इसमें वो कभी पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया था, इसलिए बिल्कुल बेखौफ होकर कभी भी किसी की हत्या करने की योजना भी समझ गया। पुलिस द्वारा अथक प्रयास के पश्चात इन सबको गिरफ्तार किया गया है और यह उम्मीद है कि इससे अपराध पर नियंत्रण स्थापित होगा और अपराधियों को उनके घर के सजा न्यायालय में। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दामाद को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ससुरालियों पर आरोप है कि दामाद को घर बुलाकर मिट्टी का तेल डालकर उसको जिंदा जला दिया गया। इलाके के लोगों ने गंभीर झुलसे दामाद को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक इंडियन गैस एजेंसी में ड्राइवर के पद पर तैनात था। तो उसके मेरा नाम चांद मंसूरी, पूरा ये हुआ कि कल ये इंतज़ार के ससुर और सास एक अज्ञात लेडीज ले गए थे इंतज़ार के घर पे, यानी कि इसके सास ससुर अपनी बेटी को लेने। तो वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि हम इसको लेने आए हैं। इन्होंने कहा कि जब मेरा लड़का आ जाएगा, इंतज़ार के वाले साहब ने कि जब मेरा लड़का आ जाएगा तब ले जाना। उन्होंने कहा नहीं, हम लेने आए, हम लेके जाएंगे। तो कह जी इंतज़ार से बात कर लो। इंतज़ार से बात हुई, इंतज़ार ने कहा कि आधा घंटा एक घंटा रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। नुके नहीं, हम लेके जाएंगे। खैर कुल मिला के यह है कि वो ले जाने लगे और लाला से जो इंतज़ार के पिता हैं उनसे ये बोला कि ऐसा है उसका ससुर कि वो आए तो भेज देना। तो इन्होंने बताया कि फिर हमारा लड़का जो है चला गया मेरठ, और मेरठ अपनी ससुराल गया। हमें 9:30 बजे पता चला कि ऐसे ऐसा हो गया, ऐसे ऐसा कर दिया उसके साथ, जला दिया है। भाई जो ये बता रहे हैं कि सास ससुरों ने जलाया है। लड़का जब से निकला है घर में से, जो बता रहे हैं सिचुएशन कि लड़का जला हुआ था, जब अपनी ससुराल में गया कुछ देर बाद निकला, जला हुआ था, जला होकर गली में गिर गया। गिरने के बाद में पब्लिक इकट्ठी हुई, माहौल बन गया वहाँ पे। वहाँ किसी ने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस वाले आए और उसको जीप में ले जा करके MCC हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसके बाद में पता चला है कि कुछ बयान भी हुए हैं जिसके सामने, बाकी जिस वक्त बयान हुए हैं उनका परिवार का आदमी कोई मौजूदगी में नहीं था। तो इंतजार का जी लड़का आज सात बजे एक्सपायर हो चुका है। पुलिस से क्या मदद चाहते हैं आप? पुलिस से यही है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कोई घर में कोई विवाद वगैरह चल रहा है? विवाद कुछ नहीं था सर, कुछ विवाद नहीं था। जो परिवार के इनके बता रहे हैं कि कोई विवाद नहीं था। सही सलामत आई। मृतक कहाँ पे काम करता था? लड़का भारत गैस एजेंसी पे नौकरी करता है, ड्राइवर है। सर लिसाड़ी गेट क्षेत्र में इंतजार नामक युवक की हत्या का मामला सामने आया, सर क्या पूरा मामला है? इंतजार नाम का युवक चौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसकी शादी लिसाड़ी गेट थाना में हुई थी करीब 3.5 साल पहले। 3 तारीख को इसके ससुर इसके घर से इचौली से मायके अपनी लड़की को लेकर आए,
पीछे पीछे भी आ गया। संदिग्ध परिस्थितियों में ये आग लगने से घायल हुआ, चिकित्सालय में इसका इलाज चल रहा था। कल यानी 4 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई कि तेल डाल के इसके सास ससुर और पत्नी और साले ने तेल डाल के इसको जला दिया, जिससे इसकी मृत्यु हुई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, तथ्यों की छानबीन की जा रही है, साक्ष्यों के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 2 अक्टूबर 2019 को सत्य अहिंसा के पुजारी प्रेम और एकता के प्रतीक देश की आज़ादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जोगी 150वीं जयंती का शुभ अवसर पर ब्लड डोनेशन के द्वारा महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और लोगों में एकता और प्रेम भावना राष्ट्रीय प्रेम अपने कर्तव्यों पर जागरूक कराया। 2 अक्टूबर के दिन जब हजरतगंज में बहुत फौसफौस है, कहीं भगदड़ हुई है, आज एक यहाँ पर प्रियंका गांधी जी आ रही थी शहीद स्मारक से बापू की प्रतिमा तक फूल अर्पण करने, और आज हम यहाँ मौजूद हैं। और इसी के दौरान यहाँ पर एक जो सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था क्राइस्टचर्च कॉलेज में, इसके बारे में मैंने कल आपको जिक्र किया था, ब्लड डोनेशन का, जिसमें बहुत सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश से निकल कर यहाँ लखनऊ में आए हैं, वो ब्लड डोनेट किया है। आज के जो हीरो हैं, आज के जो समाज के हीरो हैं, आज के प्रोग्राम के जो हीरो हैं, हमारे साथ कुदरतुल्ला खान जी हैं। कुदरतुल्ला खान जी, आप हमें ये बताइए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं रक्तदान करने। आज पूरा शहर खड़ा हो गया है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 150 जयंती के उसमें अवसर में जो ये रक्तदान का शिविर लगाया गया था, इससे मतलब हर इंसान खड़ा हो गया, जिससे ना उम्मीद भी करते थे कि यहाँ तक डॉक्टर भी परेशान हो गए, और लोग इतनी दूर दूर से आए, कोई अम्बेडकर नगर से आया, कोई रायबरेली से आया। रायबरेली टीम सबसे बड़ी टीम आई थी कि जिसे उम्मीद से ज़्यादा लोग आए थे कि हम लोग सोच ही, और ऐसे भी लोग आए थे कि जिनकी बहन कानपुर में भाभी एडमिट है, फिर भी वो किडनी दिक्कत है, फिर भी वो ब्लड देने आए। तो मतलब सोचिए कि इस तरीके से लोग जागरूकता ब्लड का बढ़ा है अभियान, और लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आज के डेट में इंसानियत इतने आगे बढ़ गई है कि जो लोग नफरतों को बोझ बोझते थे, वो आज नफरत खत्म करके एक इंसानियत की बोझ में आ गए हैं, एक प्लेटफॉर्म में खड़े हो गए हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब भी इस ब्लड के उसमें आगे से आगे आइए और लोगों के लिए खड़े होइए, इंसानों के लिए खड़े होइए। ये नफरतें खत्म कर दीजिए कि जो नफरतों का सिस्टम है, सिर्फ इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, यही सबसे बड़ी चीज है। हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, क्या आगे भी भविष्य में आप इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे? बेशक, ये तो मेरा आज जिंदगी का पहला कार्यक्रम इतना बड़ा था मेरा, मुझे भी ना उम्मीद नहीं थी कि ना उम्मीद से ज्यादा मुझे लोगों ने साथ दिया, और ये करीब मुझे जो मालूम चला है कि 100 से ऊपर लीड कर गई है जो ब्लड दिया है, 115 लोग ने ब्लड दिया है, उसमें 25 लोग फेल भी हुए। आप सोचो कि इतना बड़ा रक्तदान पूरी यूपी में आज तक नहीं हुआ। जो डॉक्टर थे, जो टीम थी, वो ये कहने लगे कि हमारी एक गाड़ी और जगह कहीं गई थी, वहां पे सिर्फ मात्र 10 लोग ने ब्लड दिया, और आपके यहाँ जो लीड हुई है, ये यूपी का सबसे बड़ा ब्लड डोनर हुआ है, रक्तदान हुआ है। अभी तक जो लोग देते रहे हैं वो 30, 40, 30, 40, 25, ये सबसे बड़ा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा टीम लखनऊ ब्लड डोनेशन, और भी हमारे साथ में हिना खान जी और भी जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, इन सब ने बहुत मेहनत किया है, जब ये इस पोजिशन पे पहुंचा है, और रायबरेली की टीम पूरी, ये सब लड़के रायबरेली खड़े हैं, इन लोग ने सब ऐसे मेहनत किया है कि मतलब इन लोग ने एक एक लोग को उठाया। आज बारिश हो रही थी, आज सुबह 5 बजे से, फिर भी बेचारे 8 बजे निकले हुए हैं, सब कुछ छोड़ के, क्योंकि इन्हें एक इंसानियत के बारे में, मोहब्बत के बारे में मालूम था, एक इंसान है दूसरे इंसान कैसे काम आना है। ये रक्तदान मतलब एक आप किसी की जिंदगी बचा रहे हो, ये है इसका मकसद। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा आगे आइए। मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों से बात करता हूँ। आज कुदरत भाई आज के हीरो है, 2 अक्टूबर के हीरो है उत्तर प्रदेश में, कोई शक नहीं है, और इसमें आप सब शामिल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग बाहर से यहाँ आए हैं रक्तदान करने, क्या सोच के आए हैं? वहाँ भी तो हॉस्पिटल है। अरे हम लोग यहाँ पर काफी टाइम से कुदरत भाई को जानते हैं, 2 साल से जानते हैं, और ऐसा नहीं है, आज के जमाने में ये ऐसी चीज है कि हर आदमी को इसकी जरूरत है, पर आदमी यही सोचता है कि नहीं हम अपने घर वालों को देंगे, हम अपने घर वालों को, अगर आदमी यही सोच बचा ले कि अगर आज हम इनके काम आ जाएंगे, शायद ये कल 10 लोगों को लेके मेरे काम आ जाए,
यही तो हमारी इंसानियत है। अगर हम यही सोच लें कि हम लोगों को हर लोग मदद कर रहे हैं तो 10 लोग देख के ही तो मदद करेंगे। अगर हम अपने दिल में बैठा लेंगे कि नहीं हमें वहाँ ये ऐसा करना है तो दूसरा भी तो सोचेगा ना कि हमको भी तो इनके खिलाफ ऐसा करना है। अगर वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं तभी तो हम इतनी दूर से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा यहाँ पर लेकर कि आज हम उनके लिए इतना ब्लड अगर डोनेट करें तो कल अगर मान लीजिए हम ही जरूरत पड़ जाए तो हमारे लिए दिन या रात कभी भी एक करके मुझे जितना यूनिट ब्लड ज़रूरत होगा हमारे घर वालों की या हमारे किसी भी लोगों को ज़रूरत होगा तो कुदरत भाई यहाँ से रैपली किसी भी टाइम जा सकते हैं। ये हमें पता है, हम लोग ने इस चीज़ को बहुत काफ़ी उससे देख भी चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग वो है, हम लोग जानते भी हैं कुदरत भाई को, बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही जब तक वो करते रहेंगे हम लोग उनका साथ देते रहेंगे। आप ये बताइए कि आप कुदरत भाई के थ्रू ही क्यों रक्तदान कर रहे हैं? इसीलिए उन्हीं के थ्रू आए हुए। आपको मिला है पहले? जी। अच्छा, आपको पहले मिला है, पहले मिल चुका है ब्लड? नहीं नहीं, ब्लड हमें नहीं मिला, हम यही ब्लड देने हुए आए। नहीं नहीं, आपको कभी जरूरत पड़ी ब्लड की आपके परिवार में किसी को? नहीं नहीं पड़ी। चलो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप आगे पड़ेगी तो कुदरत भाई हमारे साथ। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, जो इस तरीके, मैंने आज हीरो कहा कुछ गलत नहीं कहा, आज बापू का दिन है, आज महात्मा गांधी का दिन है, हमारे राष्ट्रपिता का दिन है और ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सब आपने देखा, सबका प्यार और स्नेह इनके साथ शामिल है। आज आगे चल के अगर आपको भी कोई दिक्कत होती है, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत होती है आगे चल के, तो आप कुदरत भाई से संपर्क कर सकते हैं, कुदरत भाई से संपर्क कर सकते हैं और आपको ब्लड मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपको ब्लड मिल जाएगा। जी, कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली से आए। तो कैसे कुदरत भाई के पास कैसे आए? कुदरत भाई हमारे भाई हैं और जो है हम लोग जब से हम लोग कुदरत भाई को जानते हैं, कुदरत भाई हम लोग को मोटिवेट करते हैं। बस कभी भी कहते हैं किसी की भी जरूरत हो बस खड़े हो जाओ, जिस लायक हो उस लायक खड़े हो जाओ। पैसे से कर सकते हो तो पैसे से करो, हाथ पैर से कर सकते हो तो हाथ पैर से करो, बस लोगों की मदद करो और इंसानियत फैलाओ। जो नफरत का माहौल चल रहा है इस वक्त, वो नफरत मिटानी है, इनका सीधा मोटिव यही है कि नफरत को खत्म करनी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो मैंने कहा है कुदरत भाई हीरो है, मेरे समाज के हीरो है, राष्ट्र के हीरो है और हमारे लखनऊ के हीरो है, उत्तर प्रदेश के हीरो है। हमारे साथ क्या नाम है साहब आपको? ये काम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, पिछले दो सालों से इनकी टीम लगातार काम कर रही है और खाली लखनऊ में ही नहीं पूरे यूपी में काम कर रही है। पूरे यूपी में टीम हमारी लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त भी जो यहाँ पे हम लोग गांधी जी के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर जो ये हम लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है, ये भी बहुत सक्सेस प्रोग्राम रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आकर यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो और लोगों, अभी आपने देखा होगा रायपुर से टीम आई थी, आजमगढ़ से आए थे कुछ लोग, इसके अलावा आजमगढ़ के अलावा भी और कई जिलों से लोग आए थे। जैसा भी मिला उनको, हालांकि माहौल बहुत वैसा था, तीन राजनीतिक पार्टियों का धरना प्रदर्शन, उसके बाद भी सब लोग यहाँ किसी तरह पहुँचे। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे, आए और किया, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आजादे कलीम साहब थे हमारे साथ और मीना खान जी हैं, ये समाज सेविका हैं, एनजीओज भी चलाती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलती भी है कुदरत भाई से, जो आज के हीरो हैं। मैं इनसे बात करूंगा। मैम बताइए, आज के दिन के लिए आप क्या कहेंगी? इतना बड़ा ब्लड डोनेशन लखनऊ में हुआ है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा दिन रहा और हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे जो है मिले और इतना बड़ा काम हम लोगों ने एक साथ मिलकर किया। और ब्लड डोनेट करना ये अपने में भी एक बहुत बड़ा दान है और हम सबको एकजुट होकर इसके लिए आना चाहिए। और बहुत लोगों ने इसमें अपनी एकता और अखंडता के साथ आए हैं और सब लोगों ने दिखाया है कि अपना जोश और आपसे आपकी किसी बात की कुदरत भाई जो है वो माशाल्लाह जो है हम लोग को सबसे इतना इंस्पायर हम लोग हैं कि उनकी बात जो है हम लोग को बहुत पसंद आती है और हम लोगों ने उनको ज्वाइन करने की सोची थी और हमने सब ज्वाइन किया। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण का दौर है और आपको देख के ये लगता है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं भारत की? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मेरी तरह और महिलाएं सब आगे आए और देश के हित में अपना योगदान। आप क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के लिए? हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग की टीम ने पूरे काम किया है लोगों को जागरूक करने का, उस हिसाब से लोग जो है बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे ही लोग जो है हमारी टीम के साथ जुड़े रहें और हम लोग के टीम के साथ काम करते रहें, ऐसे ब्लड डोनेट करते रहें।
ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़ता रहे, हम लोग का हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ता रहे, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ के काम करते रहें, चाहे जिस पोजीशन में काम करना हो हम लोग को, कोई भी हो, किसी भी तरह का काम हो, बस हम लोग का आप लोग हौसला बढ़ाते रहें, हम लोग ऐसे ही काम करें। लखनऊ का आज जिस तरह से ब्लड डोनेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया है, आप भी उसका हिस्सा हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इंसानियत हमारे पास नहीं है तो हमारी ना एजुकेशन हमारे काम की है, ना ही हमारा पैसा हमारे काम का है। तो कोई भी परेशान आदमी हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसके साथ खड़े हों, चाहे तन से खड़े हों, चाहे मन से खड़े हों, चाहे धन से, और ये सब चीज़ें हम लोग कुदरत भाई के जरिए सहयोग के लिए जब से लखनऊ टीम बनी, इससे पहले केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या नाम है टीम लखनऊ ने बहुत ही बड़ा एक हजरतगंज चौराहे से केरल के लिए एक मूवमेंट, बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि ये मूवमेंट कहाँ तक जाएगा, केरल जाया गया और क्या नाम है वहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया गया उनके लिए, और अभी रिसेंटली बिहार बाढ़ आई है, बनारस बाढ़ आई है, आप इस सब जगह बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या नाम है पटना की तैयारी अभी चल रही है, और इन लोग जितना भी हो सकता है टीम लखनऊ से, टीम लखनऊ अपना पूरी दमखम से पूरा काम करती है, और ब्लड डोनेशन के लिए एक मुहिम चलाई गई जो आज तकरीबन 500 के करीब लोग यहाँ इस मुहिम में आए, और जिसमें कम से कम 150 लोगों ने अपने फॉर्म को भरा, जिसमें से 25 से 30 लोग रिजेक्ट हुए। हम उन सभी लोगों को क्या नाम है इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने हमारे हौसले को और बढ़ाया है और हम लोगों को आगे बढ़ने की ताकत दी है, जिससे कि टीम लखनऊ ने बहुत ही आगे बढ़ने की और आगे काम करने के लिए हम बहुत से प्रोग्राम करते हैं, अक्सर आप लोग हमें देखते रहते होंगे, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन कभी ऐसे ये ऐसे प्रोग्राम करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि आज हम मीडिया में काम कर रहे हैं, कभी कभी मिनिस्टर का इंटरव्यू करते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज जो एहसास होता है कि एक्चुअल मीडिया क्या है, आज हम सम्मानित करते हैं अपने बड़े भाई को और आप सबको, ये बहुत बड़ा काम है, मिलते रहिएगा, आपके साथ एहसान रही, खुदा हाफिज़। कैंटोनमेंट बोर्डर ने 30 किसानों की 300 बीघे जमीन 99 साल के पट्टे पर दी थी, जिस पर 30 परिवार अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। इसी प्रकरण में मुकदमा न्यायालय में लंबित था। आज किसानों द्वारा मेहनत से जो फसल तैयार कराई गई थी, बरेली के कैंटोनमेंट बोर्डर ने बिना किसी पूर्व सूचना के वे नोटिस के दिए हठधर्मी दिखाते हुए फसल जोत दी। हमारे साथ में जो यहां के पूर्व चेयरमैन और अल्पसंख्यक सभा के देश के सचिव हैं, इनका फ़ोन आया और इन्होंने हमें अवगत कराया कि कंटेनमेंट बोर्ड के कुछ थाने से, जिसमें बिछड़ी थाना था, कैंट के थाने के लोग थे, सीवन थाने के लोग थे, और इन लोगों ने इनकी खड़ी फसल को उजाड़ दिया, जबकि खड़ी फसल को किसी को भी हक नहीं है, और इनको सूचना देनी चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, तो जाके वो कुछ समय देना चाहिए था हमारे किसान भाइयों को। इन लोगों ने बगैर समय बगैर सूचना के तहत फसल को क्या कहते हैं जमींदोज कर दिया। अब इनके सामने एक बहुत बड़ी विकराल समस्या खड़ी हुई है कि ये किसान जो है वो फसल के ऊपर ही आधारित है, निर्धारित है, और ये क्या कहते हैं अपनी जीविका को कैसे चलाएंगे। इनके साथ में अभी मुन्नी बेगम है, हमारे हिम्मत भाई है नरेश। अन्नदाताओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसके विरोध में प्रमोद यादव जी के नेतृत्व में, किस्मत भाई के नेतृत्व में बरेली के किसान बरेली कलेक्ट्रेट पे अपनी समस्या लेकर आए हैं। बरेली और भारत की संस्कृति में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि आप बहुत भूख से तड़प भी रहे हैं लेकिन पेड़ पर कच्चा फल है तो आप उस फल को नहीं तोड़ सकते। परंतु बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने कानून का सहारा लेते हुए, कानून की आड़ लेते हुए, मानवता और भारतीय संस्कृति को कुचलते हुए इन किसानों की खड़ी हुई फसल, जिसमें खड़ा हुआ खीरा, खड़ी हुई लौकी, खड़ा हुआ बैगन, खड़ा हुआ धनिया, कुचल डाला, उजाड़ डाला। जो लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए जो फसल तैयार कर रहे थे, इस आर्थिक मंदी के दौर में इन किसानों से निवाला छीनने का काम भारत सरकार के शय पे कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने किया है। आज हम इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी की तरफ से और किसानों की तरफ से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देने आए। यूपी के जहांगीराबाद स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रोगों के कार्ड बनाए गए और दवा वितरण की गई। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर राकेश सिंह ने फीता काट कर वे मरीजों को फल वितरण करके किया। कितने मरीज आए यहाँ, कौन सा कैंप है ये? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा ये कैंप चलाया जा रहा है, जो हर मेगा कैंप के नाम से सीएचसी पे लगाया जा रहा है। इसमें बेसिकली हम
जो मानसिक विकलांग बच्चे हैं, मेंटल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, उनके लिए जाने के बना रहे हैं। तो अभी जितने मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, अभी तक मेरे पास 7-8 बच्चे आ चुके हैं जिनका हमने अभी सर्टिफिकेट बना के दिया है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, अगर मानसिक कोई रोगी है तो उनको भी देखा जा रहा है साथ में। बेसिकली सर्टिफिकेट के लिए ही काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर स्वाति है, मैं मानसिक रोगी से।